एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, वहीं पर जहाँ 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम जो बचे हुए थे, कुछ पेपर्स हो गए थे और कुछ पेपर्स बचे हुए थे, उसी के विषय पर आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बचे हुए पेपर्स थे 10th क्लास के, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बिना एग्ज़ाम दिए पास हो जाएंगे जो 10वीं के स्टूडेंट थे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज ये घोषणा की है कि आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी थे, जो जिन्होंने जो पेपर्स दिए थे, उसी पेपर्स के बेस पर, उन्हीं नंबर्स के आधार पर उन्हें 10वीं के एग्ज़ाम में पास किया जाएगा। ये ऐसा न्यूज़ आज प्रेस रिलीज़ करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है, जैसा कि आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हैं जो कि आपके इंटरफेस पर पेज पर दिख रहा है। जैसे कि बिहार सरकार ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के संबंध में जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक अब 10वीं के बचे हुए एग्ज़ाम आयोजित नहीं किए जाएंगे, जबकि 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 8 जून से 16 जून तक आयोजित की जाएंगी। बची हुई परीक्षाओं को लेकर विस्तृत जानकारी संबंधित स्कूलों की तरफ से जल्द जारी की जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक 10वीं के छात्रों का रिजल्ट आयोजित हो चुके विषयों की परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया जाएगा, जबकि जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं आयोजित हो पाई उनके आगे पास लिखा जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, तो आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे द्वारा अगर आपको दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों आपके हाथ में है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।